नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्रिप्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। तो दोस्तों, क्या नाम लेसन का? पिजन एट डे ब्रेक, यानी दिन के समय कबूतर है। इसके लेखिका कौन है दोस्तों? अनिता देसाई। अनिता देसाई के द्वारा ये लिखा हुआ दोस्तों। बहुत ही छोटा लेसन दोस्तों, बहुत ही आसान लेसन है। सभी लेसन छोटे छोटे हैं, इसको आप ध्यान से करना दोस्तों। इसके मैं हाईलाइट बता देता हूँ, जो मेन कैरेक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस लेसन में बार बार बस चार ही नाम रिपीट होंगे। कौन कौन से हैं दोस्तों? बासु, ओटिमा, बुल्लू और भिलाई। दोस्तों आइए दोस्तों, हम मैं स्टोरी बताने से पहले आपको इसके लेसन के बारे में बता देता हूँ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है दोस्तों। दोस्तों जो बासु और ओटिमा होती हैं दोस्तों, ये दोनों आपस में दंपति हैं दोस्तों। दंपति कौन कौन है? एक तो बासु और दोस्तों सेकंड है ओटिमा। ये दोनों क्या है दोस्तों? दोनों आपस में पति पत्नी है दोस्तों। इन दोनों का दोस्तों एक पड़ोसी भी होता है, उसका नाम है दोस्तों बुल्लू। बुल्लू और बासु में दोस्तों अंतर करना, इन ये क्या है? इनका पड़ोसी है, पड़ोसी दोस्तों। और दोस्तों इन दोनों का एक लड़का भी होता है, लड़के का इन्होंने नाम दिया नहीं दोस्तों। जो लड़का होता है दोस्तों वो कहाँ पर रहता है? भिलाई। भिलाई एक जगह का नाम है दोस्तों, भिलाई। तो चलिए दोस्तों, अब स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों। बसु को दमे की बीमारी है, यह दर्द ही भरी कहानी है दोस्तों। कुल मिलाकर जब कहानी शुरू होती है तो बसु बालकनी में कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह अखबार नहीं पढ़ पा रहा अच्छी तरह से। उसकी पत्नी उसके लिए अखबार पढ़ती है। वह अपनी पत्नी को अखबार पढ़ने के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी पत्नी रसोई में घर के काम में बिजी रहती है। वह कुछ आने में देरी कर देती है। इसी बीच बसु चिड़चिड़ा हो जाता है। जब ओटिमा अपने काम से मुक्त होकर अखबार पढ़ने के लिए आती है तो एक एक खबरें सुनाती है। खबरों में कुछ भी विशेष नहीं है। बसु और भी चिड़चिड़ा हो जाता है। अंत में ओटिमा खबर सुनाती है कि उस दिन उसके क्षेत्र में रात के समय बिजली नहीं रहेगी। यह खबर बसु को और भी चिंतित कर देती है। वह उसको कहता है कि वह फिर रात भर कैसे सो पाएगा। गर्मी में बिना पंखे का विचार बसु को इतना चिंतित कर देता है कि उसे दौरा पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी को बुलाता है कि उसे सांस नहीं आ रहा। वह भागती आती है और उसे दवाई देती है। उसको कुछ आराम महसूस होता है दवाई लेने के बाद। इसी बीच डाकिया भी आ जाता है उसके बेटे का पत्र लेकर, जो भिलाई में रहता है। मैंने आपको बताया था कि भिलाई में उसका एक बेटा रहता है। ओटिमा पत्र पढ़कर बताती है कि उसका बेटा ठीक है, ठीक काम कर रहा है। यह खबर सुनकर उसको और भी आराम मिल जाता है। रात को बसु की पत्नी उसको सुझाव देती है कि क्यों न बिस्तर को ऊपर खुली हवा में छत पर ले जाया जाए। बूढ़े होने के कारण वह खुद बिस्तर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए क्या करती है बसु की पत्नी? अपने पड़ोसी बुल्लू, मैंने आपको बुल्लू के बारे में बताया, बुल्लू को बुलाती है, जो बिस्तर रात को ऊपर ले जाने में मदद करता है। जैसे ही अखबार में लिखा था कि आज रात को बिजली नहीं आएगी, तो ठीक 8 बजे दोस्तों बिजली बंद हो जाती है। ओटिमा बिस्तर लगाती है, बसु को ऊपर ले जा चुकी है, उसको आराम से सलीके से बिस्तर पर लेटाती है, उसको आरामदायक महसूस करवाती है। मगर क्या होता है, ट्रैफिक की आवाज़ बसु को परेशान कर देती है। अच्छी तरह से वह सो नहीं पाता, वह सारी रात हवा के लिए कहराता है। सुबह उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी पत्नी ने उठकर उसकी छाती पर मालिश की। वह अपने पति के लिए पानी लेने नीचे आती है। जैसे ही दोस्तों वह पानी लेने के लिए नीचे आती है, तुरंत लाइट आ जाती है। वह सोचती है कि उन्हें बसु को नीचे ला जाए। जैसे ही बसु को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए ऊपर लाती है, तो बसु उसको कहता है कि वह उसको अकेला ही छोड़ दे। सुबह है, सुबह अच्छा महसूस कर रहा है वो, ठंडी हवा आई है, यानी यमुना नदी की तरफ से ठंडी हवा उसके पास आई है। मौसम ठंडा हो चुका है, वह सीधा लेटा हुआ है, मुंह खोलकर आसमान की तरफ देख रहा है। और दोस्तों कबूतरों का एक झुंड अचानक आकाश की ओर उड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों लेखिका ये कहना चाहती है कि बसु मर चुका है। तो ये था दोस्तों इस कहानी में। अगर आपको इसके क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।